Hi guys, welcome back to Shweta Studio. आज हम बनाएंगे तीन तरह की मल्टीपर्पज चटनी जो कि किसी भी डिश के टेस्ट को इन्हांस करती हैं और साथ ही साथ देखेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन रश आवर्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लें और गैस को फुल फ्लेम पर कर दें. अब हम इसमें डालेंगे ऑयल. आप यहाँ पर कोई भी ऑयल जैसे तिल का या फिर मूंगफली का या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं. मुझे ये चटनी सरसों तेल में बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने ये वाला सरसों तेल यूज़ किया है. तेल के अच्छे से गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे राई. राई डालने के बाद थोड़ा ध्यान रखें, कई बार ये दाने उछल कर बाहर आते हैं. आप चाहें तो एक प्लेट या फिर ढक्कन की मदद से इसे थोड़ा सा कवर कर लें ताकि वो दाने आपके ऊपर ना आए. उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और उसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे. नेक्स्ट हम डालेंगे प्याज. इन्हें मैंने बिल्कुल छोटा काट लिया है टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ चटनी. ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं. और साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च. अगर आप ये चटनी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को बीज निकाल कर डालें. अब इन दोनों चीज़ों को प्याज के गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से भून लें. नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे खड़ी लाल मिर्च और कलौंजी. अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनने देते हैं और तब तक हम टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं. टमाटर की चटनी के लिए हम ऐसे लाल वाले और थोड़े से सख्त टमाटर लेंगे जो जनरली सैलड के लिए यूज़ होते हैं. इससे कलर बहुत अच्छा आता है एंड कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाती है. और फिर इन्हें बड़े पेड़े पीसेस में काट कर एक ग्राइंडर की हेल्प से पेस्ट बना लेंगे. यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर एंड टमाटर का पेस्ट और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे हमारे कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहले अदरक जो इसे बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा. इस चटनी को कलर देने के लिए हम डालेंगे छोटा सा चुकंदर. डरिए नहीं, इसका टेस्ट पता भी नहीं चलेगा और लाल मिर्च पाउडर की वजह से जो एसिडिटी होती है वो भी नहीं होगी. फिर डालेंगे लहसुन. ये ऑप्शनल है पर लहसुन और टमाटर साथ में यूज़ करने से ये एक दूसरे के गुणों को बढ़ाते हैं. अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक. यहाँ पर मैंने रॉक सॉल्ट यूज़ किया है, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं. इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम चटनी को ढक कर 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे. क्योंकि हमने टमाटर का पेस्ट यूज़ किया है इसलिए ये जल्दी पक जाएंगे. 5 मिनट बाद हम इसे खोल कर एक बार चेक कर लेंगे. अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस स्टेज पर थोड़ा सा इमली का पानी डालकर इसे 5 मिनट के लिए और पका लें. इस स्टेज पर गैस को लो मीडियम फ्लेम पर कर दें क्योंकि टमाटर ऑलरेडी पक चुके हैं, हमें बस इमली का कच्चापन दूर करना है. क्योंकि मुझे अभी चटनी थोड़ी सी पतली लग रही है इसलिए मैं इसे बिना ढक्कन के पका रही हूँ. अगर आपकी चटनी ड्राई हो चुकी हो तो आप उसे ढककर पकाएं क्योंकि इस स्टेज के बाद हम उसमें पानी नहीं डालेंगे. 5 मिनट बाद हमारी चटनी बनकर तैयार है. इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है. अगर आपको चटनी अभी भी पतली लग रही हो तो आप उसे 1-2 मिनट के लिए और पका लें. इस स्टेज पर मैंने गैस को बंद कर दिया है. ठंडी होने पर ये चटनी और भी गाढ़ी हो जाएगी. फिर आप इसे किसी भी कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें और आराम से 3-4 दिनों तक यूज़ करें. कोकोनट चटनी बनाने के लिए एक ग्राइंडर जार ले लें और उसमें छोटे कटे हुए फ्रेश कोकोनट डाल दें. अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं. हो सके तो उसे 1 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दें. पहले हम केवल कोकोनट को दरदरा ग्राइंड कर लेंगे. दरदरा ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च. अगर आप ये चटनी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे बीज निकाल कर डालें. थोड़ी सी मूंगफली जो इसे अच्छा सा नटी टेस्ट देगी. थोड़े से ड्राई रोस्टेड चना जो इस चटनी को स्मूथ टेक्सचर देंगे. रफली चॉप्ड अनियन.
थोड़ी सी अदरक, सेंधा नमक, आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ताकि सभी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो पाएं, और आखिर में थोड़ा सा दही। दही प्रोबायोटिक तो होता ही है, साथ ही थोड़ी खटाई भी ऐड कर देगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी और यूज़ करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। अब हम चटनी को थोड़ा और टेस्टी बनाते हैं। उसके लिए एक पैन ले लें और गैस को फुल फ्लेम पर कर दें। अब इसमें डालें घी। इन केस यू आर वीगन, यू मे यूज़ कोकोनट ऑयल और सेसमे ऑयल। घी अच्छा सा गर्म हो जाने पर अब इसमें डालेंगे राई। ध्यान रखें, क्योंकि पैन छोटा है, राई चटक कर बाहर आ सकती है। अब इसमें डालेंगे सूखी खड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और गैस को बंद कर दें। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कोकोनट का आउटर शेल यूज़ किया है। इसमें पहले हम डालेंगे चटनी और फिर राई का छौंका। अगर आप ऑयल इनटेक कंट्रोल कर रहे हैं तो छौंक को स्किप भी कर सकते हैं, चटनी उसके बिना भी अच्छी लगेगी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारी कोकोनट चटनी बनकर तैयार है। धनिया चटनी बनाने के लिए एक बड़ा सा बोल ले लें और उसमें डालें एक बंच फ्रेश हरा धनिया। देखिए कितना हरा हरा और फ्रेश फ्रेश है। इसे हाथों से ही रफली थोड़ा सा तोड़ लें। फिर उसमें डालेंगे जीरा, सेंधा नमक, आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी लहसुन, अदरक, रफली चॉप्ड अनियन, हरी मिर्च। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप ये चटनी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे बीज निकाल कर डालें। अच्छे से पके हुए लाल टमाटर, यहाँ पर आप देसी टमाटर या फिर जो टमाटर हम सब्जी में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। वो डालेंगे तो अच्छी सी खटाई भी आ जाएगी चटनी में। थोड़ा सा काला नमक। अब इन सभी चीज़ों को एक ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लें और एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। ज़रूरत लगे तो ग्राइंड करने के लिए एक दो स्पून पानी भी डाला जा सकता है। अब इस पेस्ट को एक छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी के साथ हमारी धनिया चटनी बनकर तैयार है। अब देखते हैं कि इन चटनीज को किन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। चटनी को आप मेयोनीज या फिर दही में मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सा एपेटाइजर डिप बना सकते हैं। उसके लिए आप दोनों का इक्वल पोर्शन ले लें और स्वाद अनुसार नमक डाल दें और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके नैचोज या चिप्स या फिर बॉइल्ड वेजीज के साथ इंजॉय करें। आप चाहें तो चटनी को सीधा जार में से निकालें और सिंपल रोटी सब्जी के साथ सर्व करें और फिर देखें वो सिंपल खाना भी कितना टेस्टी लगता है। इसे आप मेयोनीज या दही के साथ मिक्स कर लें या फिर आप ऐसे ही ब्रेड पर स्प्रेड करें और फिर अपनी पसंदीदा वेजी लाइक क्यूकम्बर, अनियन, टमेटो या फिर आलू टिक्की लगाकर एक टेस्टी सा सैंडविच या बर्गर तैयार कर लें। आप चटनीज के साथ थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसे आप पिज्ज़ा बेस पर लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही पिज्ज़ा के साथ डिप की तरह यूज़ कर सकते हैं। चटनी में इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं कि आप इन्हें मैरिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पनीर टिक्का, गोभी पकौड़ा वगैरह। साथ ही आप इसे टिक्की या फिर पफ पेस्ट्री की फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ही इंडिया में काफ़ी अलग तरह की चटनी खाई जाती है। कुछ कॉम्बिनेशंस तो ऐसे हो चुके हैं कि उनका नाम ही साथ में आता है, जैसे कि इडली और नारियल की चटनी, कटलेट और टमाटर की चटनी, ढोकला और धनिया चटनी। इन चटनीज को यूज़ करके आप बच्चों का मनपसंद और ट्रैवल फ्रेंडली फ्रैंकी या फिर चपाती रोल भी बना सकते हैं। इन चटनीज को यूज़ करके आप इंस्टेंटली फ्लेवर राइस बना सकते हैं। बस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल या घी डालें, फिर अपने पसंद की चटनी डालें, थोड़ा सा नमक और फिर बने हुए चावल मिलाकर सबको अच्छे से मिक्स कर दें और लीजिए, आपके फ्लेवर राइस तैयार है। अगर आप चटनी और केचप को कंपेयर करेंगे तो यू विल नोटिस कि इनमें बहुत कुछ कॉमन है, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, मसाले वगैरह। बस एक ही फ़र्क है, कंसिस्टेंसी का। तो फिर बस
चटनी को स्मूथ प्यूरी बना लीजिए और फिर इंस्टेंट होममेड केचप यूज कीजिए। चटनी को हम रोटी पराठे के साथ तो खाते ही हैं, पर इन्हें आप सॉल्टेड बिस्किट जैसे मोनाको या क्रैकर पर चीज और अपनी पसंद के टॉपिंग के साथ लेयर करें और देखिए आपका क्विक एपेटाइजर तैयार है। देखा ना आपने ये चटनी कितने काम आती है। अब आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसे और किस तरह से यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे और नए आइडियाज के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग।